हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का समय हो गया है और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और साड़ी पहन लिया है। मौसम के हिसाब से हमें कभी कभी चेंज हो जाना चाहिए। मौसम जो है आज बहुत हसीन बना हुआ है, खुशनुमा है, क्योंकि सुबह के टाइम हो गई थी बारिश, कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इसलिए आज मैंने पहनी है साड़ी कुछ स्पेशल के लिए। और अभी नंदनी यहाँ पर आई हुई थी, उसे नीचे छोड़ने के लिए गए हैं उनके पापा, और आरुष आरुषी जो हैं स्कूल से आ गए हैं, और मैं आ गई हूँ यहाँ पर थोड़ा सा तैयार होने के बाद में। सावन का महीना है तो साड़ी पहनना तो बनता ही है, सजना संवरना हर महिलाओं को करना चाहिए सावन में कुछ ना कुछ थोड़ा सा स्पेशल। तो अभी चलिए चलते हैं और देखते हैं पूजा क्या कर रही है। पूजा खाना बना रही है और नंदनी जिद कर रही है नीचे से ही कि मुझे मम्मी के पास ऊपर जाना है। और जब मैंने साड़ी पहनी उसके कई सारे सवाल थे कि मम्मी आप साड़ी पहनकर कहाँ जा रहे हो, अगर फ़ोन भी आएगा किसी का तो बोलेगी किसका फ़ोन है, तो उसे हर चीज़ का जवाब चाहिए होता है। जब महिलाएं साड़ी या कुछ भी पहनते हैं ना तो वो सोचते हैं कि मैचिंग का हमारे पास कुछ मिलेगा या नहीं, तो आज मुझे भी मिल गई है इस साड़ी के मैचिंग की चूड़ियाँ, और मैंने इयररिंग्स भी जो है चेंज कर लिए हैं, थोड़े से अलग टाइप के पहने हैं, और इनमें ना थोड़ा सा मुझे भारीपन सा लग रहा है क्योंकि मैं इस तरीके के इयररिंग्स जो है वो पहनती नहीं हूँ, पहली बार मैंने ये पहने हैं। तो फ्रेंड्स वही बात है, नया घर हो या फिर नई रसोई हो, कुछ भी हो, तो उसमें सारी चीज़ें नई अच्छी लगती है, और इसीलिए आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ किचन से संबंधित कुछ सामान, क्योंकि नया घर बनाने के लिए नई नई चीज़ों की ज़रूरत हमारे जीवन में पड़ती रहती है। मेरी नई किचन के लिए मेरे पास मेरा सामान आ चुका है जो मैंने खरीदा है मीशो ऐप से। मीशो ऐप इंडिया का लार्जेस्ट शॉपिंग ऐप है। यहाँ पर आपको 60 लाख से भी ज़्यादा प्रोडक्ट और 1 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स इससे जुड़े हुए हैं। यहाँ से शॉपिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको आपकी ज़रूरत के सारे सामान मिल जाएंगे, कपड़े, जूते, चप्पल, होम डेकोरेट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। मीशो ऐप पर सामान खरीदने के लिए बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है, जैसे कैश ऑन डिलीवरी, फ्री डिलीवरी और रिटर्न पॉलिसी। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आप आसानी से वापस कर सकते हैं। मीशो ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी रसोई के लिए सबसे पहला प्रोडक्ट है ये कैसरोल, जिसकी रसोई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है खाना गर्म रखने के लिए। तो जी ये देखिए, इसका ढक्कन भी आसानी से घूम जाता है और ये आसानी से खुल जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, देखने में छोटा लग रहा है। यहाँ पर इसे पकड़ने के लिए हैंडल भी दिया गया है, नीचे इसमें स्टैंड दिए गए हैं ताकि ये गंदा ना हो इसके नीचे की तली से। ये पूरा स्टील का बनाया गया है और इसका ये जो है प्लास्टिक का है। इसमें हम रोटी, चपाती, कई तरह की सब्जियां जो हैं बहुत देर तक गर्म रख सकते हैं, और कहीं आए जाए जैसे हम टूर पे जाते हैं तो उसके लिए भी सब्जी और चपाती हमारी गर्म रहेगी। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी और मजबूत भी है काफ़ी, और इसे धोना साफ करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। शाम का खाना बनकर तैयार हो गया है और इसमें रोटी रखने के लिए, ये रोटी हम रखते हैं इसमें तो गर्म रखने के लिए। कई सारे लोग घर में ऐसे हैं खाना खाने के लिए भी लेट लतीफ़ी हैं तो उनकी रोटियाँ ठंडी हो जाती हैं, उन्हें गर्म ना करनी पड़े, तो इस वजह से ये रोटियाँ हम आराम से इसमें इस तरीके से रख सकते हैं। ये देखिए सारे का सारा जो चपाती है हमारी वो इसमें सेट हो गई है, तिरछी मुड़ी कुछ नहीं है, बिल्कुल काफ़ी अच्छा स्पेस है इसमें, और इसे आप ढक्कन लगा देते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा ये है कटलरी होल्डर स्टैंड, और इसमें जो है बहुत अच्छा स्पेस दिया गया है, ये प्लास्टिक का है, इसके साथ में ये भी दिया गया है, ये चाकू और कैंची वगैरह जो छिलर होते हैं यहाँ पर टांगने के लिए, यहाँ पर चाकू, चम्मच, बहुत सारी चीज़ें हम रख सकते हैं इसमें जो है। इधर चम्मचे, हमारे कई सारी चीज़ें देखी होगी आपने, चाकू जो है दीवार में हम लोगों ने स्टैंड बना रखा है ताकि खोए ना, तो उसी चीज़ के लिए मैंने इसकी शॉपिंग की है। ये किचन में एक साइड में जो है सेट हो जाएगा, काफ़ी अच्छा है, सुंदर है ये देखे, और नीचे से भी बहुत मजबूत दिया गया है, इसकी प्लास्टिक काफ़ी मजबूत है, कलर भी एकदम बढ़िया लग रहा है जो हमारी किचन में सुंदर लगेगा लगने के बाद में। किचन का थोड़ा सा सामान मैंने इसमें देख लिया है, अभी भी जगह बची हुई है, तो काफ़ी सारी चम्मचे, चाकू, छुरी, जो भी कुछ काटने के लिए है हमारे पास में सामान, वो सब जो है इसमें आसानी से आ जाएगा। और किचन के एक कॉर्नर में ये रखा हुआ भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये देखिए
अगला प्रोडक्ट है हमारी किचन के लिए ये, इसमें है कप। और मेरे पति देव को जो है टूटे हुए कन्नों के कप बिल्कुल भी पसंद नहीं है किचन में रखे हुए, तो इसलिए हमने मंगाए हैं व्हाइट कलर के एक कप। तो जी उन्हें जो है और कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जो उनके लिए मैं कप लेकर आई थी वो टूट गया है। तो चलिए आपको दिखा देते, ये है 6 कप। और बच्चों वाले घर में कपों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चे तो उठा ही लेते हैं भले ही उनकी पोज से कितने भी दूर हम इन्हें रख लें। ये कप का साइज है और फिनिशिंग भी एकदम बहुत बढ़िया दी गई है, इसमें वाइट कलर है, प्रिंट बहुत बढ़िया है ये जो लाइनिंग वाली है, और इसमें यहाँ पर बारीक बारीक सा जो है डिजाइन भी दिया गया है। सिंपल सोबर एकदम मजबूत कप है, जैसे हम लोग गाँव में रहते हैं तो कप का साइज देखिए एकदम परफेक्ट है हम लोगों के हिसाब से, क्योंकि गांव वालों को ज्यादा मात्रा में चाय पीने की आदत होती है। किचन के लिए अगला प्रोडक्ट है ये है कुकी कटर। चलिए इसको खोलकर दिखाते हैं और कैसे ये बनता है वो भी दिखा देते हैं आपको। इसमें बहुत सारे ब्लेड दिए गए हैं, जिस तरह का हमें कुछ भी काटना हो वो हम काट सकते हैं, छोटा मोटा बारीक, और चिप्स भी बन जाएंगे इसमें। तो चलो जी इसे पहले तो बना लेते हैं। इसके साथ में ये छिलर भी दिया गया है, जिससे हम मूली, गाजर और जो खीरा होता है उसे आराम से छील सकें। तो जी इसे बनाना, ये देखिए इसके पार्ट लगाने बहुत ही आसान है। तो जी इसे यहाँ पर पकड़ने के लिए एक हैंडल भी दिया गया है, और रखने के लिए स्टैंड भी लगा हुआ है इसमें। तो इसमें यहाँ पर पहले ही एक ब्लेड लगा हुआ है, अपनी मनपसंद कोई सा भी ब्लेड हम लगा सकते हैं इसमें। गाजर, मूली, कोई भी चीज़ें हम कस सकते हैं, आलू भी कसे जा सकते हैं। और जो जैसे कि हम गाजर कसते हैं तो कसा हुआ हम ऊपर से उठा लें और नीचे जो है इसमें रस चला जाता है, उसे निकालने के लिए यहाँ पर ये जगह भी दी गई है। ये देखिए आराम से हम ग्लास में कर सकते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें इसके साथ में दी गई हैं। ब्लेड हम अपने मनपसंद लगा सकते हैं, इसमें कचरी भी तोड़ सकते हैं आलू की और किसी भी चीज़ की, और चिप्स भी बना सकते हैं। ये देखिए इसमें बड़ा ब्लेड भी दिया गया, ब्लेड लगाना काफ़ी आसान है। और प्लास्टिक जो है इसकी काफ़ी मजबूत है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। इसकी भी किचन में हमें आए दिन ज़रूरत पड़ती रहती है, कई प्रकार की हम सैलड भी इससे बना सकते हैं। अगला प्रोडक्ट मंगाया है हमने अपनी रसोई के लिए, ये है हैंड ऑयल पंप। और जैसे हमारे घर में जो है टीन ही आता है तेल का, तो उसे निकालने के लिए 2 बंदों की ज़रूरत पड़ती है तेल को, तो अब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है। एक बंदा आराम से इस पंप से ऑयल निकाल सकता है, ये देखिए। और यहाँ पर जो है इसे टीन में सेट करने के लिए भी जगह दी गई है ये वाली, और इसे आसानी से अंदर तक देकर, और यहाँ से ढक्कन भी लगाया है जिससे इसमें कुछ मतलब जाम ना हो, या फिर कुछ भी कोई भी कीट पतंगा घुस के ना बैठे। ये देखिए इसे हम ढक्कन को हटाएं और इसमें आसानी से ऑयल निकाल सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तेल निकालने के लिए, क्योंकि टीन रखा हुआ है नीचे और टीन वैसे भी खाली हो गया है। 1-2 दिन में लेकर आएंगे गुड्डू के पापा, तो आपको एक बार दिखा देते हैं किस तरीके से इसमें से ऑयल निकलना है, टीन में, बाल्टी में से, जिस चीज़ में से भी निकालना हो। तो ये 20 जो है इस तरीके से चल जाएगी, अगर नहीं निकालना है तो इसे ऐसे ढक्कन लगा देंगे। तो जी अगला सामान है हमारे घर के लिए ये, इसकी हर घर में ज़रूरत पड़ती है, ये है एक स्वीट होम की स्टैंड। तो जी देखिए कितना अच्छा है ये लकड़ी का बना हुआ है, इसमें यहाँ पर 2 पॉकेट दी गई है, इसमें हम फ़ोन, पेन वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। सबसे ज़रूरत की चीज़ है ये, यहाँ पर हम बहुत सारी अपनी बाइक, गाड़ी, कितनी सारी चीज़ों की टांगने के लिए यहाँ पर बहुत सारे हैंगर दिए गए हैं इसमें। ये देखिए काफ़ी मजबूत है, और इसे हम लगाएंगे नीचे बरामदे में, ताकि चाबियाँ जो हैं किसी की भी ना खोए, और ढूंढते रहते हैं अमित और अंकित की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाबियाँ ढूंढने की। तो चलो जी ये हो गया, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये और मजबूत भी है। अगला प्रोडक्ट है हमारी रसोई के लिए ये है डिनर सेट।
स्पार्कल JBI डिनर सेट है ये। तो चलो जी डिनर सेट दिखाते हैं आपको। सबसे पहले इन बाउल की बात करते हैं, ये सर्व करने के लिए दिए गए हैं डिनर सेट के साथ में, और इनके जो ढक्कन हैं वो आसानी से बंद हो जाते हैं। काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग बनाई गई है, प्रिंट भी काफ़ी अच्छा है, साफ करने में भी आसानी होगी। तो जी ये हो गए इसके दो बाउल सेट। 6 इसमें जो है बड़ी प्लेटें दी गई हैं, काफ़ी अच्छा डिजाइन है, प्रिंट भी काफ़ी अच्छे फ्लावर लग रहे हैं इसमें। 6 छोटे साइज की प्लेट यहाँ पर इसके साथ में दी गई हैं, इसका भी डिजाइन सेम है। पूरे डिनर सेट में डिजाइन एक दिया गया है और ये प्रिंट भी एक दिया गया है। 12 इसमें सब्जियों के लिए बाउल दिए गए हैं, ये देखिए 6 बाउल ये हैं और 6 ये हैं, काफ़ी बढ़िया स्पेस के बाउल हैं। ये देखिए दही और सब्जी के लिए काफ़ी अच्छे हैं, डिजाइनिंग इसकी भी वैसी दी गई है जैसी प्लेट के साथ में दी गई है, और प्रिंट भी इसमें जो है चम्मच भी दिए गए हैं, 6 चम्मच दी गई हैं, और ये सर्व करने के लिए बाउल के लिए 2 बड़े चम्मच दिए गए हैं। सब्जी इसमें जो है ये देखिए सर्व करने के लिए रख ली है, और शाम का टाइम है, कम सब्जी ही यूज होती है। और खाने में बनी है अभी अरवी, यानी कि घुइया एकदम रेडी है, आइए आप भी खा लीजिए, ये पूजा के हाथ का है। आपको एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, ये शॉपिंग की है मैंने मीशो ऐप से। मीशो ऐप इंडिया का लार्जेस्ट शॉपिंग ऐप है, यहाँ पर जो है 60 लाख से भी ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाते हैं आपके जरूरत से संबंधित। 1 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स इससे जुड़े हुए हैं। मीशो ऐप पर शॉपिंग करना बहुत ही आसान है, यहाँ पर आपको कैश ऑन डिलीवरी, फ्री डिलीवरी, रिटर्न पॉलिसी भी दी जाती है। अगर आपको कोई भी सामान पसंद नहीं आता है तो आप आसानी से वापस कर सकते हैं। मीशो ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।